रामनगरी अयोध्या में होने वाले छठवें दीपोत्सव की तैयारियां जोरों शोरों पर हैं। वहीं इस दीपोत्सव को भव्य रूप देने के लिए बैठकों का दौर शुरू हो गया है, जिसको देखते ही आज मुख्यमंत्री के सलाहकार अवनीश कुमार अवस्थी और प्रमुख सचिव पर्यटन एवं संस्कृति मुकेश कुमार अयोध्या पहुंचे, जहां उन्होंने मुख्यमंत्री के 28 सितंबर अयोध्या भ्रमण और दीपोत्सव 2022 के कार्यों की समीक्षा श्रीराम कथा संग्रहालय में की। इस बैठक में मंडलीय एवं जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे। दीपोत्सव के संबंध में डीएम नीतीश कुमार द्वारा संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत किया गया और 28 सितंबर को लोकार्पित होने वाले निर्माणाधीन भारत रत्न लता मंगेशकर चौक के निर्माण आदि कार्यों की जानकारी ली। बैठक के बाद अवनीश अवस्थी ने बताया कि इस बार का दीपोत्सव अनूठे तरीके से मनाया जाएगा। इस बैठक में कमिश्नर नवदीप रिणवा, पुलिस उप महानिरीक्षक अमरेंद्र प्रसाद सिंह, डीएम नीतीश कुमार, एसएसपी प्रशांत वर्मा, नगर आयुक्त विशाल सिंह, अपर जिलाधिकारी नगर, मेला अधिकारी श्री सलील कुमार पटेल, मेले में आयोजित होने वाले इवेंट एवं टेंट आदि लगाने वाले एजेंसियों के प्रतिनिधि मौजूद रहे। देखिए, ऐसा है, प्रमुख सचिव पर्यटन ने, संस्कृति ने पूरा रिव्यू किया है, कमिश्नर और डीएम और डीआईजी और एसपी ने भी रिव्यू किया है। इस बार अनूठा होगा और भव्य होगा। कोविड के बाद का ये आयोजन है और जो है दिए और लगाए जाएंगे और आप देखिए कितना अच्छा सुंदर। 28 तारीख को जो है होगा जी, 28 तारीख को लगभग 11 बजे के आसपास कार्यक्रम होगा और बहुत भव्य कार्यक्रम होगा और सभी लोग आमंत्रित। इसके अलावा आप देखेंगे कि बहुत सारी नई प्रस्तुतियां इसमें होगी, जो फसाद हमारा प्रोजेक्शन मैपिंग और लेजर शो का होता था उसका और चौड़ाई बढ़ा दी गई है। साथ ही साथ जो है कई सारी योजनाओं के उसमें लोकार्पण होंगे और बाकी हमारा जो फायर क्रेकर्स का शो यानी आतिशबाजी का जो पिछले साल से चालू हुआ है वो और भव्य रूप से यहाँ पर इस बार आयोजित है। ड्रोन शो के लिए हमने तैयारियाँ कर ली है, बाकी इस क्षेत्र की संवेदनशीलता को दृष्टिगत रखते हुए यदि अनुमति प्राप्त हो जाएगी तब फिर उसका। लेकिन सर, ये जो यहाँ पर स्मारक भवन बना है, ट्विन हो मेमोरियल का भी जो है लोकार्पण किए जाने का प्रस्ताव है और इसमें चूंकि एक सांस्कृतिक संबंध जो साउथ कोरिया के साथ में भारत के हैं और वह एक बहुत ही प्राचीन और पौराणिक तौर पर चले आ रहे हैं, तो उसको दृष्टिगत रखते हुए, इसकी महत्ता को दृष्टिगत रखते हुए वहाँ से भी उनके राजनयिकों को और साथ ही साथ जो है उनके जो मुखिया हैं उनको बुलाने का प्रयास किया है। हाँ, विदेशी मेहमान रहेंगे, विभिन्न देशों के राजदूतों को भी हम आमंत्रित करेंगे, बहुत सारे सांस्कृतिक क्षेत्र के लोग, बहुत सारे साहित्यिक क्षेत्र के लोग और जो भी बड़ी हस्तियाँ उन सबको बुलाए जाएंगे।